खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में खाली पड़े खेल कोच के पदों को जल्द ही भरा जाएगा। गोविंद ठाकुर गुरुवार को ऊना में आयोजित राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि खेल क्षेत्र में पिछले 5 साल में खामियां रही हैं, लेकिन उन्हें दूर करने के लिए समय लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है। इस दौरान खेल मंत्री ने इंदिरा स्टेडियम में खेल महाकुंभ का भी शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश में खेल और खिलाड़ी के लिए अपनी पॉलिसी को हम नए तौर पर हम ड्राफ्ट कर रहे हैं और हमारा रफ ड्राफ्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम बहुत जल्द सभी एसोसिएशन आप बैठेंगे, पब्लिक डोमेन हमने डाला है, तो उसमें एक और क्या सजेशन हो सकती है, क्या चीज़ डिलीट करना, क्या ऐड करना, उसको यानी उसको करेंगे। और उसका तरीके कि दूसरा हमने ये कि हिमाचल प्रदेश में आपने कहा कोचों की कमी है, तो हमने बिल्कुल सारी रिकॉग्निशन हमने स्पॉट डे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजी है। हमको यह है कि सारी की सारी हम इसमें जो पोस्टों को फिलअप करेंगे, कोई पोस्ट हम यहाँ पर जो है खाली रहने देंगे। लेकिन एक बात पक्का है कि पिछले 5 वर्ष में जो काम नहीं हुआ तो उसे करने में थोड़ा हमको समय लगा है, और लेकिन अब जल्द उसको हम निजाम पहनाएंगे तो हम सबको नए कोचिंग भर्ती करेंगे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से अनिल पटियाल और मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।